सबके सामने रविंद्र भाटी ने किया बड़ा खुलासा। क्या चुनाव जीतकर बीजेपी में होंगे शामिल? क्या रविंद्र सिंह भाटी फिर से बीजेपी में शामिल होंगे चुनाव जीतने के बाद? भाटी का यही प्लान है, ये तमाम तरीके के सवाल इस वक्त भाटी को लेकर उठ रहे हैं। और बस ये बातें हवा में नहीं उड़ रही हैं, सिर्फ विधायक रविंद्र सिंह भाटी के एक बयान के बाद से इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। एक इंटरव्यू के दौरान भाटी ने कुछ ऐसा कह दिया कि राजनीतिक गलियारों में उनके बीजेपी ज्वाइन करने की खबरें चलने लगी। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। विधानसभा के बाद लोकसभा चुनाव में भी भाटी निर्दलीय ही बाड़मेर जैसलमेर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इनके दमदार रैली की खूब चर्चा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी कांग्रेस की टेंशन बढ़ी हुई है, कहीं भाटी फिर से बाजी न मार जाए। लेकिन अब लीजिए, खुद ही भाटी के बीजेपी में ज्वाइन करने की खबरें आने लगी है। चुनाव जीतकर बीजेपी में शामिल होंगे भाटी? चुनावी माहौल में भाटी ने आज तक से खास बातचीत की। उन्होंने ऐसे तो कई मुद्दों पर बात की, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रहा बीजेपी को लेकर उनका बयान। भाटी से सवाल हुआ, पहले आपने बीजेपी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ा शिव से, इस बार भी अटकलें लगाई जा रही थी कि आपने फिर से बीजेपी से टिकट मांगा है, नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ा, तो क्या अगर चुनाव जीतते हैं तो आप बीजेपी में शामिल हो जाएंगे? इसके जवाब में भाटी कहते हैं, राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और मुझे लग रहा है कि 2019 में चुनाव लड़ने के लिए आया था लेकिन टिकट नहीं मिला, लेकिन जनता का साथ मिला। अब जिस तरह से भाटी ने कहा है कि राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इससे यही कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है भाटी चुनाव जीतने के बाद बीजेपी में शामिल हो जाए, क्योंकि यहां भाटी बीजेपी पर निशाना साधने से भी बच रहे थे। भाटी के इसी बयान के बाद से चुनाव जीतकर बीजेपी में शामिल होने की उनकी खबरें जोरों पर है। हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, ये बस कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं भाटी ने लोकसभा चुनाव में अपनी जीत को लेकर कहा, जनता मेरे ऊपर विश्वास जताएगी, मुझे ये भरोसा है और जनता तय करने वाली है और मुझे इन पर भरोसा है कि ये मेरा साथ देंगे। आपको बता दें, शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने बाड़मेर जैसलमेर सीट से नामांकन भर दिया, जिसके बाद उन्होंने रैली निकाली। इस रैली की खूब तारीफें हुई। कहा तो ये भी गया कि बीजेपी कांग्रेस इससे टेंशन में आ गई थी, वही बीजेपी तैयारियों में भी है। खबर है कि आने वाले 12 अप्रैल को पीएम मोदी खुद बाड़मेर आ सकते हैं और पीएम मोदी ने बाड़मेर जैसलमेर की जिम्मेदारी राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा को सौंपी है। बात भाटी की करें तो विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने सिर्फ विधानसभा सीट से निर्दलीय ही चुनाव लड़ा और अब एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में भाटी उतर चुके हैं। अंत में आपको सुनाते हैं रविंद्र सिंह भाटी का दमदार भाषण। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या सचमुच चुनाव जीतकर भाटी बीजेपी में शामिल होने वाले हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। अरे साहब, आज री तारीख रमीना, बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा रमी, ये लोकसभा क्षेत्र रमीना शक्तिमान और गंगाधर दोनों ही एक है। शक्तिमान देखियो ना, वो गंगाधर ही शक्तिमान है, तो वहां कहना चाहूं कि ए त्री राजनीति रमीना, एक नयो उबाल आया पड़ो, सब एक वह पड़िया, सब कहता कि साहब इत रेले कराओ, हूं इया मीना ये ना तोड़ा थे उए मीना तोड़ो। अरे साहब, 26 साल रहे एक लड़के ना रोकने वास्ते थे और किता साजिशां षड्यंत्र कर सु। जनता जवाब मांग है तां कुडा,